नमस्ते, मैं डॉक्टर शमिक दास, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ कलकत्ता में। आज हम लोग बात करेंगे दिनाई के बारे में। दिनाई लेके बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग परेशान हैं। दरअसल दो चीज़ के चलते हम लोग के पास आते हैं सब। एक है कि वो दाग धब्बा और दूसरा है खुजली। तो दरअसल देखा गया है कि शुरुआत में जब दिनाई होता है तो हम लोग कोई ना कोई नज़दीकी दुकान से किसी से भी पूछ के कोई भी मलम लगा के हम लोग कोशिश करते हैं उसको रोकने की। देखते हैं अक्सर कि उसी से पहले के शुरुआत में घट जाता है, पर आखिर में वो बढ़ता ही रहता है और तो और बाकी लोगों में फैल जाता है, घर पे, रिश्तेदारों में, जान पहचानों में, दोस्तों में। हम लोग आज बात करेंगे उसी सिलसिले में। मेरा जो ज्ञान है मैं आपसे बांट रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपका भी कुछ इससे हेल्प हो। दिनाई जो है वो ये छूत वाली बीमारी है। कपड़ा, कंघी, साबुन, तौलिया, बिछौना और छूने से एक से दूसरे में फैलता है। ये सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह फैल सकता है। अक्सर देखा गया है कि गर्मी पसीना की जगह शुरुआती तौर पे होता है, धीरे धीरे करके बाकी जगह फैलता है। ये बिल्कुल दीवार पे पीपल का पेड़ जैसा है, यानी जितना आपको ऊपर दिखता है चमड़े के नीचे उससे 3 से 4 गुना उसका जड़ फैला हुआ रहता है। इसलिए ऊपर से निशान हल्का हो जाए, खुजली कम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि जड़ से मिट गया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर से निशान थोड़ा हल्का हो जाए, खुजली कम हो जाए, दवाई बंद कर देते हैं, तभी ज्यादा दवाई की जरूरत होती है। और बात यह है कि ये जड़ से मिटने में 3 से 4 महीने टाइम लगता है। उस तब तक ये इसका खाने वाला दवाई और मलम चाहिए ही होता है। और जो हम लोग देखते हैं अक्सर कि जहाँ पे होता है उसको छोड़ के थोड़ा सा और अगर बढ़ा के मलम लगाया जाए तो ये जड़ से मिटाने में ज़्यादा आसान रहता है। जब हम इसको खुजलाते हैं तो इससे एक बीज या दाना निकलता है जो कि हम लोग नाखून में एक से दूसरी जगह फैला देते हैं। और तो और जो कपड़े में घिसता है, जैसे गमछा, तौलिया, रुमाल, अंडरगारमेंट्स यानी अंदर का वस्त्र जो है, और रात को पहनने वाला, घर पे पहनने वाला कपड़ा, उसमें इसका बीज चला जाता है। वो वाला कपड़ा आप गर्म पानी, साबुन पानी, डेटॉल पानी 3 दिन धूप सुखाइए, 1 साल अलमारी में रखिए, उससे नहीं मरेगा। सिर्फ प्रेशर कुकर में डाल के 3 या 5 सीटी मारने से तब जाके मरता है, जो कि मुमकिन नहीं है। तो अगले 1 महीने के दौरान जो दवाई जारी रखते हैं तो उसके 1 महीने के दौरान नया कोई कपड़ा ना पहने तो ही अच्छा है। और नाखून साफ रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इसके चलते खाने में परहेज कर देते हैं। खाने में परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो दरअसल छूत वाली बीमारी है, कोई एलर्जी टाइप का कुछ है नहीं। और जब इसका खुजली कम हो जाता है या निशान हल्का हो जाता है तो डॉक्टर साहब के पास जाना बंद कर देते हैं। उसी टाइम पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आगे की दवाई या आगे क्या करना होता है डॉक्टर साहब बताएंगे। जो मेरे पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि जितने भी अंडरगारमेंट्स, गमछा, तौलिया, रुमाल, रात को पहनने वाला कपड़ा है वो फेंक के नया इस्तेमाल करें तो ही बेहतर है, क्योंकि उसमें जर्म्स जो है वो रह जाता है, कीटाणु तो वैसे जाता नहीं है। और सिर्फ डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि इसके लिए और क्या क्या करना पड़ता है, जैसे आपका साबुन वगैरह या फिर आपका शैम्पू, आपके नाखून वगैरह कैसा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये सब पाबंदी अगर रखे तो मेरे ख्याल से इसको मिटाना बहुत आसान होता है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे जान पहचान में या फिर मेरे घर पे 1-2 को है, बस हल्का सा ही है। तो मैं बोलता हूँ कि उनको कि अब सबका अगर ट्रीटमेंट ना हो, एक भी बच गया तो उनसे बाकी लोगों में फिर से फैल जाएगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा।